वेल एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ। इस वीडियो को एडिट करने वाला जो बंदा है उसे पर्सनल टाइम निकालना पड़ता है एडिट करने के लिए, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और अपना प्यारा सा कमेंट कर देना। तो एपिसोड शुरू होता है, हारू अकियो को हाय कहता है और कहता है माफ करना मैं थोड़ा लेट हो गया था। तभी अकियो हारू को देखते हुए मुड़ जाती है और कहती है कैसा लग रहा है। हारू अकियो को देखता है और कहता है कि उसने आज अच्छा आउटफिट पहना है, तो शायद से वो मेरे से कंप्लीमेंट चाहती है। तभी वो कहता है बहुत अच्छा लग रहा है। अकियो कहती है कि मैं जानती थी तुम क्या देख रहे थे, तुम मेरी वो देख रहे थे है ना। हारू तभी मन में कहता है इसे कैसे पता लगा। और हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है स्कूल का। छापे अकियो कहती है हायाकावा आज और दिनों की तरह लड़कियों के बीच में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। हायाकावा एक स्टड है जो कि स्कूल में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है लड़कियों के बीच में, और वो स्माइल करता हुआ डेली आता है। और हारू हाथ धो रहा होता है और तभी सोचता है कि और लड़कियों की तरह अगर अकियो भी हायाकावा को पसंद करने लगी। तभी हारू कहते हैं मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, और हारू सामने देखता है और हायाकावा अकियो के सामने खड़ा होता है। तभी हारू छुप के देख रहा होता है, इतने में सुजुको आ जाती है और हारू का पूरा मुंह उतरा हुआ होता है और वो सुजुको को कस के गले लगा लेता है और कहता है कि फ्रेंड कितने करीब जा सकते हैं। तभी सुजुको कहती है हुआ क्या। तभी हारू कहता है मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ, और तभी सुजुको देखती है और कहती है अच्छा ये बात है। इतने में साइचो आ जाती है और कहती है कि फ्रेंड को अच्छे से जानने से पहले तुम्हें उसे अंदर से अच्छे से जानना चाहिए। हारू कहता है तुम्हारा मतलब उसके घर जाना चाहिए। तभी हारू मन में सोचता है कि मैंने अकियो को काफ़ी अच्छे से मनाया था, वो मेरी गर्लफ्रेंड है तो मुझे खुद जाके बात करनी चाहिए। हारू जा रहा होता है, तभी सुजुको कहती है मैंने हारू को ऐसे जाते हुए नहीं देखा। और हारू सामने जाके खड़ा हो जाता है और कहता है अगर तुम्हें बुरा लगे तो मुझे नहीं पता मैं यहाँ क्या बोल जाऊँ। तभी सुजुको पीछे से कहती है ये वहाँ जाके क्या बकवास कर रहा है, उसकी बोलती अचानक से क्यों रुक गई। और हायाकावा से हारू कहता है मैं कुछ सोच रहा हूँ क्या तुम दोनों दोस्त बन चुके हो काफ़ी ज़्यादा करीबी। तभी अकियो कुछ कहती है पर हायाकावा कहता है मेरी गलती है मैं पहले बताता हूँ। तभी हायाकावा कहता है मैं तुम्हें देना चाहूँगा सबसे पहले एक एडवाइस, मेरा कोई भी दोस्त नहीं बनना चाहता क्योंकि सारी लड़कियां मेरी दोस्त बन चुकी है और कोई लड़का अब मेरा दोस्त बनना नहीं चाहता। तो इसी बारे में हम अकियो से बात कर रहे थे। अकियो कहती है हाँ हारू यही बात थी। तभी हारू कहता है बस इतनी सी बात थी। और सुजुको देखती है और साइजो कहते हैं अच्छा यही बात थी। और हारू कहता है तो ठीक है मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा। और हायाकावा उसका हाथ मिला लेता है और दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। तभी हारू कहता है ओ मैन मैं काफ़ी ज़्यादा मैरिज हो चुका हूँ, अब तो मुझे कोई हॉल मिले तो मैं उसमें कूद जाऊँगा। तभी हायाकावा कहता है क्या तुमने हॉल का, तुम्हारे लिए मैं जल्दी से जल्दी हॉल का इंतज़ाम कर दूंगा। तभी अकियो का चेहरा उतर जाता है। हारू कहता है तुम काफ़ी ज़्यादा मजाकी हो हायाकावा। और उन्हें बाथरूम में जाते हुए दिखाया जाता है और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हारू पे आता है। हारू कहता है आज बैम्बू डे है, ये दिन हीमे और हिकोबोशी दोनों आपस में मिले थे, काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक है ना। अकियो कहती है हाँ सेक्सुअली। और तभी हारू कहता है ऐसे मन में बताओ। तभी अकियो कहती है ओह मेरे से गलती से निकल गया शायद से मुँह से। तभी हारू कहता है वो गलती से नहीं निकला था। और पीछे से सुजुको आ जाती है और अपनी विशेस दिखाती है। तभी हारू उसकी विश देखता है और कहता है इस विश को जला देना चाहिए। सुजुको कहती है कि मेरी विश को मत देखो। तभी हारू उसकी कंधे पे हाथ रखता है और कहता है मैं तुम्हारी विश नहीं देख रहा। और तभी उसके हाथ से विश छूट जाती है जिस विश पे लिखा होता है कि उसे बीकअप बनाने हैं। और हारू कहता है इसका मतलब क्या। सुजुको कहती है मैंने तुमसे कहा ना मेरी विशेस मत देखो। और वहाँ पे साइजो आ जाती है और कहती है कि मेरे पास भी विशेस है। तो हारू कहता है तुम्हारे पास क्या क्या विशेस है। तभी साइजो कहती है कि ये वाली विश मेरी सबसे ज़्यादा बढ़िया है। हारू उस विश को पढ़ता है और कहता है कि तुम्हें बिग सिस्टर क्यों चाहिए आखिर। और हारू तभी समझ जाता है और कहता है कि ऐसा तो कभी नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट सीन में हारू कहता है कि पीछे हायाकावा आया हुआ है। अकियो अचानक से पलटती है और कहती है क्या सच में आया हुआ है। तभी हायाकावा स्टार गिन रहा होता है और तभी वो कहता है कि मैंने 721 स्टार गिन लिए हैं और जब ब्राइट शाइनिंग स्टार आएगा तो 0 to 701 स्टार हो जाएंगे। हारू कहता है कि इसका मतलब क्या है।
हायागावा कहता है, न जाने में क्या सोच रहा था, क्या छोड़ो। मिल्की वे काफी ज्यादा अच्छा दिखता है। हारू कहता है कि हाँ, उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ी झील हो, उसके बीच में से नदी बह रही हो। हायागावा कहता है, तुमने सच में अच्छे से पकड़ लिया, तुम अब धीरे धीरे करीब होते जा रही हो। हारू कहता है, हाँ हम दोनों काफी ज्यादा करीब होते जा रहे हैं। अक्यू ये बात सुनते हुए हैरान होती है और अपनी विश लिख देती है कि हिकोबोशी डे कभी नहीं आना चाहिए। अक्यू खड़ी हुई होती है और कहती है, क्या हारू तुम मेरी विश जानना चाहते हो। हारू कहता है, अगर मैं इसकी विश जानना चाहूंगा तो इसे बुरा लगेगा। तभी हारू कहता है, मैं तुम्हारी विश की जरा भी परवाह नहीं करता, नहीं जानना मुझे। तभी अक्यू कहती है, ठीक है गॉड को ही जरूरत है मेरी विश जानने का, तुम्हें तो मेरी परवाह ही नहीं है। तभी हारू कहता है कि नहीं रुको तो, और उसके पीछे भाग रहा होता है। और दिखाया जाता है जहाँ पे हारू की विश लगी होती है कि उसे अक्यू के साथ ही पूरे साल रहना है। और दिखाया जाता है स्कूल का सीन जहाँ पे टीचर कहती है कि कल से मैचेस शुरू होंगे तो अभी से हमें वार्म अप कर लेना चाहिए। अक्यू वार्म अप में जंप कर रही होती है। तभी हारू कहता है कि ऐसा मत करो। अक्यू कहती है, हाँ मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती थी हारू। हारू कहता है, वो क्या चीज है। तभी अक्यू खोल के दिखा रही होती है। हारू कहता है, मत उतारो उसे, मेरी जान नहीं। तभी अक्यू कहती है, लो हो गया। तभी हारू कहता है, अच्छा। अक्यू कहती है, लोगों को ये नाम ऐसे दिखाना काफी अच्छा लगता है। हारू कहता है, अच्छा तो यही बात थी। अक्यू कहती है, क्या मैं तुम्हारी वार्म अप में थोड़ी मदद करूं। तभी हारू कहता है, हाँ क्यों नहीं। और हारू की मदद करते हुए अक्यू के वो रसीले लग रहे होते हैं। और हारू कहता है, क्या तुम किसी और तरीके से मेरी मदद नहीं कर सकती। तभी अक्यू अपने शूज को उतारती है और उसके ऊपर पैर रख देती है और कहती है, ऐसे सही रहेगा। तभी हारू कहता है, तुम्हें नहीं लगता ये ज्यादा हो गया। उसके बाद हारू बॉल फेंकते हुए कहता है कि ये हर बारी राइट साइड जा रही है। अक्यू कहती है, राइट साइड भी जा रहा है तो भी तुम कर सकते हो हारू। और हारू एक शॉट मारता है और अक्यू को इम्प्रेस करते हुए दिखाया जाता है। तभी हारू दिखाया जाता है ये सब सोच रहा था। हायागावा कहता है, क्या तुम जानना चाहते हो इस स्टिक को कैसे अच्छे से पकड़ के शॉट लगाया जाता है। हारू कहता है, क्या तुम मुझे सिखाओगे। हायागावा कहता है, हाँ जरूर क्यों नहीं। और तभी टीचर कहती है कि अक्यू, क्या तुम इसे स्टोर रूम में रख के आ जाओगी। अक्यू कहती है, हाँ क्यों नहीं। और तभी अक्यू रखती है और हायागावा और हारू की आवाज़ आ रही होती है तो वो चुपके से देखती है। हायागावा हारू से कहता है कि हाँ तुम्हारी पकड़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो रही है, तुम धीरे धीरे सीख रहे हो। तभी अक्यू कहती है, वो वहाँ दोनों कर क्या रहे हैं। और हारू कहता है कि हाँ तुम्हारा सिखाने का तरीका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और अब देखो मेरी पकड़ कितनी बढ़िया हो चुकी है। तभी हायागावा कहता है कि हाँ अब तुम्हें गोल अचीव कर लोगे। तभी हारू कहता है कि हाँ मैं गोल अचीव कर लूँगा जल्दी से। तभी अक्यू कहती है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। हारू कहता है कि मैं अभी नहीं बता सकता, मेरा स्पेशल गिफ्ट खराब हो जाएगा। तभी हारू अक्यू से स्माइल करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें कल एक बहुत बढ़िया चीज़ दिखाऊंगा। और अक्यू हैरान होती है और अक्यू प्लेग्राउंड में पैदल चल रही होती है। और तभी अक्यू सोचने लग जाती है कुछ हद से ज़्यादा और हायागावा हारू के बारे में। और तभी अक्यू वहाँ से भागते हुए कहती है कि हारू खतरे में है और वहाँ से भागती है। और हारू पैदल चल रहा होता है और तभी सुज़ुको आ जाती है और कहती है कि हमें एक पिचर की ज़रूरत है तो तुम्हें एक पिचर की तरह खेलना चाहिए हमारी टीम में। तभी हारू कहता है कि तुम्हारी क्लास में अगर मैं खेलूँगा तो तुम चीटिंग करोगी, है ना। तभी सुज़ुको वहाँ से चल जाती है और किसी और को मोटिवेट करती है। हारू को ये बात अच्छी नहीं लगती। इकांटा कहती है कि भैया क्या आप मेरी पिच देखने आओगे। तभी हारू कहता है कि हाँ मैं तुम्हें देखने आऊँगा। तभी साइजो आ जाती है और कहती है कि हाँ ये अब मैच्योर से अडल्ट हो चुकी है, इसके हाथ में पैड पकड़ दो देख के हमें अच्छा लगेगा। तभी हारू कहता है इसका मतलब क्या था। और तभी अक्यू आती है और कहती है, हारू मुझे अच्छा लगा कि तुम्हारे साथ इकांटा है और अब तुम सेफ हो। हारू कहता है, इकांटा मेरे साथ है, मैं सेफ कैसे रह सकता हूँ। इतने में अनाउंसमेंट होती है और सुज़ुको कहती है कि हारू यहीं खेल रहा है। तभी हारू पिच पे खड़ा होता है और सुज़ुको उसे चेयर अप कर रही होती है और हारू काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। सुज़ुको कहती है कि तुम्हें अच्छे से बैट को स्विंग करना चाहिए। और हारू एक शॉट मारता है तो साइचो की तरफ आता है पर एक बंदा पकड़ लेता है। तभी हारू सॉरी कहता है और हारू फिर से प्रिपेयर होता है। तभी हायागावा आता है और कहता है कि तुम
जानते नहीं कि उसके कितने अच्छे गट्स हैं। वो एक शॉट में बाउंड्री के पार बॉल पहुंचा देगा और एक शॉट की आवाज आती है और शॉट पे शॉट पड़ता है हायाकावा की, और हारू ये बात देख के हैरान हो जाता है और हायाकावा काफी तेज तेज एक्साइटिंग चिल्ला रहा होता है। नहीं मतलब इतनी जोर की पड़े तो एक्साइटिंग ही चिल्लाना चाहिए। साइचो और अकियो देख के हैरान होते हैं। तभी हारू कहता है और तुम्हें लगी तो नहीं? तभी अकियो कहती है कि हायाकावा के काफी तेज लगी है, पर हारू को देखो तो उसके इमोशन। हारू कहता है ओह मेरी वजह से तुम्हें कितनी जोर की लगी होगी हायाकावा। हायाकावा कहता है कोई नहीं, तुमने जैसा शॉट मारा है ऐसा शॉट अगर मैं नहीं खड़ा होता तो बाउंड्री के पार जाता और तुम्हें काफी अच्छा गोल मिलता। तभी ये बात सुनती अकियो नीचे बैठ जाती है। हारू कहता है अकियो क्या तुम सही हो, और दिखाया जाता है सुजुको मैच जीत जाती है। तभी अकियो पैदल चल रही होती है और हारू से पूछती है कि वैसे तुम वहाँ होशिकावा के साथ घर क्या रहे थे? तभी हारू कहता है कि हाँ मैं होशिकावा से प्रैक्टिस सीखने की कोशिश कर रहा था और वो जैसे सिखा रहा था मुझे नहीं लगता मैं वैसे सीख पाऊँगा। तभी अकियो कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे हाथों को देख के लगता है कि तुमने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। हारू कहता है कि हाँ ऐसी बात तो है। तभी अकियो कहती है तो तुम इन हाथों से मेरी मदद कर सकते हो? तभी हारू कहता है कि हाँ मेरे हाथ में कोई जोस्टिक या बैट नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हें अच्छे से समझा पाता, पर हाँ बिल्कुल ऐसे ही। तभी अकियो कहती है कि नहीं मेरा मतलब उससे नहीं था, तुम कुछ और ज़्यादा खास कर सकते थे ना। तभी हारू कहता है किस बारे में बात कर रही हूँ? तभी हारू को समझ में आता है कि ओह वहाँ पे कार्ड क्या हुआ था, और तभी हारू कहता है ओह